आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आजमगढ़ पुलिस के लंगड़ा अभियान में दो बदमाश ढेर और दो घायल। देखिए आजमगढ़ से संवाददाता संदीप श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आजमगढ़ पुलिस ने येन केन प्रकारेण नामचीन चिन्हित और मुकदमा दर्ज शुदा अपराधियों को पकड़ा जाए, जरूरत पड़े तो उन्हें पैर में गोली भी मार दी जाए। इस आदेश के साथ जोशो खरोश के साथ मैदान में उतरी आजमगढ़ पुलिस की रविवार की देर रात लगभग लगातार दो अलग अलग स्थानों पर हुए मुठभेड़ में दो बदमाश ढेर हुए, जबकि दो को काबू करने में आजमगढ़ पुलिस सफल भी रही। पकड़े गए घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि 25-25 हजार के दोनों इनामी बदमाश ढेर हो चुके हैं, जिनके नाम तबरेज और कलीम हैं। ढेर हुए और पकड़े गए सभी अपराधी अंतर जनपदीय टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल थे। घायल बदमाशों के पास से चोरी की बोलेरो गाड़ी, तमंचा और 4500 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जिस स्थान पर मुठभेड़ हुआ वह फूलपुर थाना क्षेत्र का माफी पुलिया स्थान है। अपराध करने के लिए कुछ लोग सहागंज जनपद गौरपुर की ओर से चोरी की हुई बुलेरो से आ रहे हैं, जिसमें 4 अपराधी हैं और उनके पास असले हैं। उक्त सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए बुलेरो को चौकी इंचार्ज अबारी श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उनके तेज भागने पर चौकी इंचार्ज द्वारा प्रभारी निरीक्षक फूलपुर अनिल सिंह को जरिए दूरभाष सूचना दी गई। ये बदमाश बुलेरो सवार रोकने पर भी नहीं रुके और अंबारी की तरफ भागते रहे। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो पीछे की तरफ मुड़कर बाईं तरफ पुलिया की तरफ झाड़ियों में तेजी से भागने लगे। पीछा करने पर उनमें से 4 व्यक्ति कूदकर लगभग रात्रि 12 बजे पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से लक्ष्य बनाकर फायर करने लगे, जिस पर सेल्फ डिफेंस में आत्मसुरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा नियंत्रित फायर किया गया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उपचार हेतु उन्हें जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। अन्य दो लोग गहरा अधिकार का फायदा उठाकर भाग गए। घायल बदमाशों की पहचान तबरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। ये मुकदमा अपराध संख्या 188/2020 धारा 3A UP गैंगस्टर एक्ट में करार चल रहा है। दूसरे की पहचान कलीम पुत्र जहीर साकिन मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ UP गैंगस्टर एक्ट में ये फरार है और इस पर 25,000 रुपये का टॉप 10 इनामिया अपराधी। अभियुक्त कलीम के विरुद्ध 18 एवं अभियुक्त तबरेज के विरुद्ध 19 आपराधिक जघन्य मामले दर्ज हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फूलपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 315/22 IPC 307 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है। इनके पास से 1 चोरी की बुलेरो, 2 नायाब तमंचा 315 वो, 2 जिंदा कारतूस 315 वो, 7 अदस धोखा कारतूस 315 वो तथा 4,500 रुपये नकदी बरामद हुआ है। देखते रहिए अमेज नाउ। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा
थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध, डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच इलाज की सुविधाएं उपलब्ध, न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं, डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।